हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और आज मैं आया हूँ कार जोन में। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ दो गाड़ियाँ जो कि डिमांड में हैं। एक तो ये है इनोवा क्रिस्टा 2016 मॉडल और ये है वरना डीजल में 1.6 डीजल में 2019-20 मॉडल। तो ये एकदम नई गाड़ी है, ये भी एकदम नई गाड़ी है। तो सारी डिटेल्स बताऊँ, सेल के लिए हैं दोनों और डिटेल वीडियो दूँगा जिसमें जितना हो सकता है अच्छा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो भाई वीडियो चालू करने से पहले बताना चाहूँगा, देखो यार लॉकडाउन लग रहा है और ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। अभी देख सकते हैं सब कुछ सुनसान पड़ा है यहाँ पर भी और कोई नहीं है। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो। और इसके शॉर्ट्स वगैरह भी मैं डालता रहता हूँ, वो भी देख लेना आप एक बार। और अपने हिसाब से आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, आप अपने UPI के थ्रू आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके थ्रू आप मुझे पे कर सकते हो जैसा भी आपको सही लगता है वैसा। और मेंबर बन सकते हो, मेंबर बन के भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो चालू करते हैं। तो ये है मेरे पास चाबी भी इनोवा की। तो ये जो मॉडल है 2016 का 2.4 डीजल वेरिएंट में जी मॉडल है। और कंडीशन दिखा सकता हूँ, कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी की, कंडीशन काफ़ी क्लीन है। और फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो फ्रंट प्रोफाइल में भी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर डेंट वेंट वगैरह, बोनेट वगैरह, पेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्क्रैच मिलेगा, कंप्लीट ओरिजिनल गाड़ी है, कोई भी यहाँ पर एक्सीडेंटल कार आपको नहीं मिलेगी, जेन्युइन चली हुई मिलेगी। कंप्लीट आपको कंपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिल जाएगी। यहाँ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे, आपको हेडलाइट मिल जाएगी क्रोम फिनिश के साथ। क्रोम जो है बिल्कुल भी उतरा नहीं है, एकदम क्लीन रखी, मतलब वेल मेंटेन कार है, वेल मेंटेन कार लग रही है। हल्का फुल्का जो स्क्रैचेस नॉर्मल जो गाड़ियों में रहता है वो हल्का फुल्का आपको देखने को मिल जाएगा, बट ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। टायर की कंडीशन की बात करूँ तो टायर भी आपको 75% कंप्लीट मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं अगर इसका इंजन ओपन करके दिखाऊँ तो बोनेट ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको कितना क्लीन रखा है इंजन। तो इंजन का कंडीशन आप देख सकते हो एकदम क्लीन रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये बेसिक मॉडल है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कितनी वेल मेंटेन है कार। बंद कर देते हैं, अब थोड़ा अंदर से मैं इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर डोर हैंडल आपको दिख जाएगा और ज़्यादा घिसे भी नहीं है, एकदम न्यू है। यहाँ आपको मैनुअल ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ORVM। डोर पॉकेट की बात करो तो डोर पॉकेट भी काफ़ी स्पेस है उसके अंदर। इंटीरियर की बात करो तो मतलब कंपनी फिटेड लेदर सीट कवर आपको मिल जाएंगे। गाड़ी चालू करके मैं आपको अंदर बैठ के थोड़ा दिखा देता हूँ। ओहो, तो मैनुअल में है, ओपन कर लेते हैं। तो गाड़ी चालू हो गई है, दो मोड मिल जाते हैं इसके अंदर, इको मोड एंड पावर मोड। रिफ्यूल दिखा रहे हैं कि गाड़ी का थोड़ा फ्यूल कम है अभी। 88,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, ज़्यादा कुछ चली भी नहीं है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्क्रीन मिल जाएगा, रेडियो चालू हो गया है ये, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन छोटा सा देखने मिल जाता है, एंड्रॉयड है पूरा, एंड्रॉयड के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, USB वगैरह जो भी कनेक्ट करना है उसमें। दो एयरबैग देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, ड्राइवर सीट के लिए, पैसेंजर सीट के लिए, ज़्यादा कुछ उसमें एयरबैग है नहीं इसमें। और एक यहाँ पर सनब्लाइंड मिल जाता है दोनों, लेकिन मिरर नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर आप सनग्लासेस वगैरह रख सकते हो, ये भी सही काम कर रहे हैं लाइट्स वगैरह। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा एक कप होल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर स्पेस मिल जाता है सामान वामान रखने के लिए, टाइमर है, हजार्ड लाइट्स, AC वेंट्स मिल जाएंगे, चार AC वेंट सामने मिल जाएंगे, चार नहीं पाँच छः हैं, तो पाँच छः AC वेंट यहाँ मिल जाएंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बैक में थोड़ी कंडीशन की बात कर लेता हूँ, तो बैक साइड में कंडीशन की बात करें तो बैक साइड में कंडीशन काफ़ी ठीक है गाड़ी का। और यहाँ पे मैगजीन होल्डर वगैरह मतलब काफ़ी ठीक है, यहाँ पे ये लेदर वगैरह ये सीट वगैरह भी है, सीट कवर में कोई स्क्रैचेस वगैरह खरोच वगैरह कुछ है नहीं, और क्लीन रखी है। यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर आपका थोड़ा AC वेंट यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको AC वेंट ऊपर मिल जाएंगे, जो कि हेडरूम यहाँ बढ़ाने के लिए अच्छा सा एक स्पेस दे रखा है डिज़ाइन की वजह से। सीट
फोल्ड हो जाएगी यहाँ पे इजीली, और काफी सारा स्पेस है यहाँ पे 7 सीटर पे, आगे पीछे बैठने के लिए भी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। पीछे की सीट्स का भी कंडीशन एकदम क्लीन है। यहाँ पे आपको पीछे बैक साइड के लिए रियर सीट बेल्ट मिल जाएगी, दोनों सीट बेल्ट यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। इसको मैं पकड़ लेता हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। बैक में कंडीशन दिखाऊँ तो बैक में भी कंडीशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई स्क्रैचेस वगैरह एक्सीडेंटल नहीं मिलेगी गाड़ी आपको यहाँ पे। और जहाँ तक मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी 14,51,000 में, 1451 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी यहाँ पे। इनोवा क्रिस्टा का इतना प्राइस रखा गया। ओवरऑल कंडीशन की बात करो तो गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ठीक है, तो ये आपको इनोवा इतने प्रोवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अपने पास दूसरी गाड़ी है वरना, तो अपने पास अभी दूसरी गाड़ी वरना है तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। 2019-20 का मॉडल है ये, 1.6 डीजल वेरिएंट में SX मॉडल मिल जाएगा। ये है की लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन का, तो पहले बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, काफ़ी क्लीन है। स्टेपनी की बात करो तो एकदम नई स्टेपनी आपको यहाँ पर अब प्रोवाइड हो जाएगी। इसको बंद कर देते हैं। बैक में कैमरा मिल जाएगा और ये टॉप मॉडल है यहाँ पे डीजल वेरिएंट में। इसको अनलॉक कर देता हूँ मैं, तो सबसे पहले है ना इसका हुड देख लेते हैं ओपन करके। गाड़ी ओपन कर लेता हूँ मैं, तो हुड ओपन करके देख लेते हैं। इंजन कंडीशन में दिखा देता हूँ पहले क्या है भाई इंजन कंडीशन का। तो ये इंजन कंडीशन है इसका अंदर से, और क्लीन इंजन रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। गाड़ी में चालू करके भी दिखाऊँ आपको। तो टायर का कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो टायर भी कंडीशन एकदम नया टायर डाले हुए हैं इसके अंदर 100% है। और बाकी क्रोम फिनिश की बात करो तो क्रोम फिनिश काफ़ी अच्छा दे रखा है कार के अंदर, और वो भी अभी घिसा पिटा कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको। और ओपन कर देता हूँ, बैक में आपको कंडीशन दिखाऊँ मैं। बैक पहले स्टार्टिंग बैक से कर लेते हैं, तो सीट कवर भी एकदम ओरिजिनल ही है, नया ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे दो स्पीकर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, 12 वोल्ट चार्जिंग पॉकेट मिल जाएगा, AC वेंट मिल जाएंगे दोनों तरफ। इससे आपको वुड फिनिश मिल जाएगा और ORVM आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। 6 एयरबैग मिल जाएंगे इसके अंदर सेफ्टी के हिसाब से। बाकी अंदर बैठ के मैं दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगी गाड़ी आपको 28,680 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर है, फुल इंश्योरेंस मिल जाएगी। क्रूज़ कंट्रोल है इसके अंदर, मिल जाएगा आपको क्रूज़ कंट्रोल, और यहाँ पर आपको थोड़े फंक्शन यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह मीडिया वगैरह कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल। पुश स्टार्ट गाड़ी है, AC भी अच्छा काम कर रहा है इसके अंदर, आपको छोटा सा स्क्रीन मिल जाता है, और वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी यहाँ पे आपको। वायरलेसली आप चार्ज कर सकते हो अपना फ़ोन वगैरह। पैडल शिफ्टर नहीं मिलेंगे इसके अंदर, बाकी तो सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। 36 डिग्री यहाँ पर एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर छोटा सा स्क्रीन आपको मिल जाएगा, क्लस्टर की बात करूँ तो, और RPM के लिए और स्पीड शो करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। दो एनालॉग मीटर मिलेंगे, एक डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। अगर मैं इसको पार्किंग में है ड्राइव रिवर्स में डाला है तो यहाँ पर आपको बैक में बैक कैमरा चालू हो जाएगा, साइड में नहीं मिलेगा कैमरा लेकिन बैक में मिल जाएगा कैमरा। यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है। डैशबोर्ड भी देख सकते हो एकदम क्लीन है, कोई आपको ख़राब चीज़ नहीं मिलेगी इसके अंदर, मतलब घिसा पिटा कुछ सामान नहीं मिलेगा। यहाँ पर वुड फिनिश दे रखा है, सनरूफ मिल जाएगा इसके अंदर आपको, तो एक छोटा सा सनरूफ भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बंद कर देता हूँ इसको, वो भी क्लीन अच्छे से काम कर रहा है। तो बंद कर देता हूँ, ये पन्नी तक नहीं उतरी है। तो सनब्लाइंड यहाँ पर मिल जाएगा एकदम नए रखे हैं सनब्लाइंड में। इधर आपको मिरर मिल जाएगा, इधर नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको पुश करोगे तो यहाँ पर सनग्लासेस वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। लाइट्स वगैरह हैं, सनरूफ मैंने बता ही दिया। यहाँ पर एक छोटा सा आपको कंपार्टमेंट मिल जाएगा सामान रखने के लिए, और 2 कप होल्डर मिल जाएंगे जो कि एकदम क्लीन रखे हैं। और गाड़ी की कंडीशन एकदम आप देख ही सकते हो कितनी क्लीन रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैक में भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। गाड़ी मैं बंद कर देता हूँ और काफ़ी चिलिंग है भाई, एकदम से ठंडा कर दिया गाड़ी ने, कोई
कर देता हूँ। तो ये वरना जो कि आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी कार जोन में। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ वरना के तो 1275 लाख में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, 12,75,000 में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी जो है आप नेगोशिएट कर सकते हो कांटेक्ट करके डायरेक्टली, तो उसके थ्रू आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये आपको दो गाड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैंने अभी दो ही गाड़ी कवर की है इसके अंदर, कम्प्लीटली डिटेल्स कवर की है इसके अंदर कि आपको क्या क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, सब कुछ आपको बता दिया है। बाकी प्राइसिंग वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, और नेगोशिएट आपको करना है तो आप कॉल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको नई नई जो गाड़ियाँ आएँगी वो आपको उसके अंदर डिटेल मिल जाएगा। और कोई भी कंसल्ट करना है या फिर गाड़ी खरीदने से पहले कुछ बात करनी है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर आके कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ सजेशन है कुछ बताना चाहते हो, कुछ मिस आउट कर रहा हूँ मैं वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हो, तो कमेंट मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप कुछ बता दो तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आगे आके अच्छा लगने ही लगेगा। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।